साहिब दया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं नरपतगंज ब्लॉक के पंचायत शिवरमणि के गोर्राहा विशनपुर में। वहां पर एक भव्य सुखद सत्संग का आयोजन सदानंद दास के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज अपने वाणी से लोगों को अपने ओर खींच लिया, क्योंकि लोगों के भीड़ ने साबित कर दिया कि नवयुवक संघ के नेता पप्पू यादव अपने नौजवानों के साथ तैनात दिखे और ग्रामवासी ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग कर अपने गांव का नाम ऊंचा किया। इसी बीच जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा पप्पू यादव, जो कि समाज सेवी भी हैं, गुरु से आशीर्वाद लिया और अपने गुरु असंग देव जी के पास अपना विचार रखा। फिर शिवरमणि पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय कुमार यादव, गजेन कुमार यादव, अमरेंद्र कुमार यादव गोर्राहा मुखिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह पैक्स अध्यक्ष, रामानंद यादव, सदानंद दास संयोजक, जगदीश शर्मा, संजद मंडल, महेश्वरी यादव, कपिल देव यादव, बबलू कुमार यादव, प्रमोद जी, बलराम यादव, अनुरोध यादव, लालू कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, विजय यादव, राजीव शर्मा, रवीन मंडल, सोनू मंडल, मिस्टर मंडल, विकास मंडल, गोलू मंडल इत्यादि मौजूद दिखे। आपको बताते चलूं कि पंचायती राज का 5वां चरण का चुनाव आपके सामने है। इस चुनाव में आपको सही नेता का चुनाव करना आपके लिए आपका पंचायत में विकास का कारण बनेगा। आइए देखिए आपके लिए सुयोग कौन होगा। इसी क्रम में क्षेत्र संख्या 8 से आपका जिला परिषद उम्मीदवार पप्पू कुमार यादव, जो कि आपके ही क्षेत्र का निवासी है, आज आपके सामने है और अपने गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आज हम हैं फिर नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में और ये जो प्रखंड है, इस प्रखंड में पहले भी कई न्यूज हम बना चुके हैं, लेकिन आज जो यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ ये सराहनीय बात है। खास करके यहाँ के नौजवानों का जो हमने भीड़ देखा, जो कामयाब भीड़ कहा जाता है इसको, ये यहाँ पर देखने को मिली। साथ में पप्पू जी यहीं पर है, नौजवान संघ के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, साथ में यहाँ के लोगों को सशक्त के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नरपतगंज से MS परदेश ये कौन सा सत्संग हो रही है, कब करवा रहे हैं, कब शुरू किए हैं? ये जो हो रहा है सुखद सत्संग। अच्छा, सुखद सत्संग। और कौन सा बाबा है? असंख्य देव। अच्छा अच्छा, पूजी है, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं आप? हाँ। मदद इसका तो वही रहा, कर भी पूजा है, संघर्ष जी वाला जिस तरह से संघर्ष कर रहा है इसमें तो इसका जीत होना चाहिए। इसका जीत होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि देखते हैं बहुत सा काम कर रहे हैं और समय दे रहे हैं। सुने इधर त्रिकुंज भी करवाए हैं और अष्टम भी करवाया, और क्या क्या करवाए, शिव जी का उद्घाटन किया है, वह मूर्ति का, यही सब कर रहा है। तो जब कर्म कर रहा है तो संघर्ष जीवन है, कर्म पूजा है, संघर्ष जीवन है। जब इसका मेहनत अच्छा होगा तो इसका जीत होगा, इसमें कोई संदेह है? क्या नाम है आपका? अंगुल प्रसाद यादव। अच्छा, तो कहाँ घर हुआ आपका? घर हुआ शिवरमणि। शिवरमणि। ये बताइए, ये जो आयोजन करवा रहे हैं आप लोग, ये पिछले साल होने वाला था? पिछले साल होने वाला था, लेकिन इस साल करवाए, कारण क्या रहा? लॉकडाउन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो पूरा सभा लगा हुआ है, यहाँ सत्संग हो रही है, कौन सा बाबा यहाँ आए हैं? यहाँ पर जो है ना सत्संग हो रही है, ये आसनदेव जी महाराज है, वो ज्यादा जो प्रोग्राम भी आता है आस्था चैनल में। यहाँ जो सत्संग हो रही है इसका क्या पता है, बताइए? क्या वार्ड नंबर 1 भाग छरापट्टी। अच्छा, इनके बारे में क्या कर रहा है, इनके बारे में? ये जो है ना, मतलब हमारे कमेटी का कार्य करता है, ये हमारे कमेटी का कार्य करता है, इन सब के सहयोग से ही जो है आज ये सफल हो रहा है। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये
जिला परिषद से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, ये इसके बारे में आपका क्या, दो लाइन बोलिए। सबसे मेन देखिए, सब अपना अपना कैंडिडेट जितने भी सब अपने अपने किस्मत आजमाते हैं, ठीक है। ये हमारे कमेटी के वरिष्ठ नागरिक हुए अध्यक्ष हैं, हाँ। जो इस बार जिला परिषद से चुनना चाह रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं युवा शिक्षित उम्मीदवार हैं जो हम लोगों के हक में, पूरे समाज के हक में फायदा हो, अच्छा हो, भला हो, तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार का चुनाव क्या आप लोग नौजवान सहमत हैं इसमें? सहमत हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम लालू कुमार है पूरा। आपका क्या कहना है पप्पू जी, किस लिए आप यहाँ पर पूरा युवा के साथ समर्पित हैं और उद्देश्य क्या है आपका? सत्संग करवाना उद्देश्य है या फिर इसी बीच में अपना काम भी निकालना है? उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, जो सब समाज का युवा मिल के एकत्र होकर एक सत्संग आयोजन करवा रखा है, हम उससे बहुत बड़ा चाहते हैं, तो यही चाहते हैं जो ऐसा सब युवा साथ साथ रहेंगे, हर जगह धर्म कर्म के साथ अपना बढ़ावा देते रहे, रोजमर्रा का जिंदगी भी आगे बढ़ती रहे जी। धन्यवाद आप सभी का। वह इतने भव्य व विराट बने, पूज्य गुरुदेव जी को बुला करके आपने रखा है, इसलिए आप समस्त ग्रामवासी।